बहादुर हो ना तुम। वीर बहादुर सिंह जी, हम चले, सबको हमरा प्रणाम। अब अफसोस करके क्या फायदा, जो हुआ उसे भूल जाइए। तुमको नौकरी नहीं करना है तो नहीं करना है, बस जाओ। बोले हैं कि आपको इलेक्शन जितवाएंगे तो जितवाएंगे। दारूबाज और रंडीबाज पर भरोसा कर लिए तो जीत गए इलेक्शन। अब तो सासू माँ को दंडवत प्रणाम करेंगे, वरना आपके भरोसे तो गिरा इलेक्शन। कि मैं उम्र कैद की सजा काट रही हूँ। हमारी शादी की तो बात छोड़ो, तो मुझे बाहर जाने की भी परमिशन नहीं है। प्लीज रो मत मेघा, प्लीज। यार हम तो पहले से ही जानते थे ना कि हमारा रिलेशन ये वर्कआउट नहीं हो पाएगा। मेरे परिवार वालों ने तुम्हारे डैड को मार डाला, फिर तुम्हारी फैमिली ने हमारे पापा को मार डाला, और फिर कितने लोगों की जाने गई इसका तो कुछ हिसाब ही नहीं है यार। मैं सब जानती हूँ, सब समझती हूँ मैं, लेकिन ये तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। मेरे घर वाले तुम्हारे घर वाले एक दूसरे के ऐसे कट्टर दुश्मन बने हुए कि उनके दिमाग में एक दूसरे को खत्म करने के सिवा कोई बात ही नहीं आती यार। मेघा, ये बम और बारूद की गंध फैलाने वाले को क्या मालूम कि गुलाब की खुशबू क्या चीज होती है। तुम ठीक कह रहे हो दी, हमारे प्यार में फूल की जगह कांटे ही कांटे भरे। लेकिन तुम एक बात सुन लो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। मैं तुम्हारे साथ ना सारे दुख तकलीफ सब कुछ सह लूंगी, लेकिन मैं तुमसे दूर नहीं हो सकती उदय। मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकती। तो क्या करोगी तुम बताओ, क्या करोगी? देखो इतिहास गवाह है यार कि जब भी दो प्यार करने वाले आपस में मिलते हैं ना, दुनिया उनके बीच में एक दीवार पैदा कर देती है और फिर उन्हें दीवार तोड़नी पड़ती है। हमारे साथ ये बिल्कुल यही सिचुएशन है यार, तो हमें कुछ मिलकर सॉर्ट आउट करना पड़ेगा ना। ये जो पुरानी परंपराओं को छुप मतलब खत्म करना पड़ेगा मैदान में। बड़ी बड़ी बातें करना आसान होता है उन्हें, लेकिन इन ताकतों के खिलाफ खड़ा होना बहुत मुश्किल। तुम्हें क्या लगता है कि बिना खून खराबा हुए हमारे रिश्ते को स्वीकृति दे देंगे? बोलो। मैं तुम्हारी बात समझ रहा हूँ मेघा, लेकिन अगर हम ठंडे और शांत दिमाग से बैठ के सोचेंगे ना तो कुछ ना कुछ सॉल्यूशन निकल जाएगा यार। इसलिए हमें पहले मिलना बहुत जरूरी है। अभी मैं तुमसे कैसे मिल सकती हूँ? तुम कोशिश तो करो मेघा, मुझे पक्का पता है तुम रास्ता निकाल लोगी। अच्छा ठीक है, मैं ट्राई करती हूँ। तो ठीक है, फिर घंटे भर बाद मैं तुम्हारा वहीं इंतजार करूंगा अपने नए मीटिंग पॉइंट पे। ठीक है? ठीक है उदय, बाय। का आशीर्वाद दे दो। अरे छोड़ो छोड़ो, गौर हमरा तोड़ दीजिएगा का दामाद जी। हमरा गौर तब तक नहीं छोड़ेंगे जब तक आप हमें आशीर्वाद नहीं देंगे। अरे एक मिनट हमरा के बैठने तो दो बाबा। छोड़ो आप छोड़ो, आशीर्वाद दो। नाटक छोड़िए, पॉइंट पे आइए। क्या चाहिए माँ से?
अरे हम सच बोल रहे हैं, हम पे शक काहे करती हो, हमको आशीर्वाद चाहिए भाई, आशीर्वाद दीजिए ना। पहले उठ कर खड़ा हो जाए, आशीर्वाद आशीर्वाद बोलकर लाख दस लाख का डिमांड कर दीजिएगा, हम जानते हैं ना आपको। बुद्धि भ्रष्ट हो गई तुम्हारी, अब हम दहेज के लिए पैसा मांगेंगे? कौन मुझसे मांगेगा, अरे हमसे ब्याह हुआ तो पूरा खानदान तर गया आपका, नहीं तो दरिद्र घुसा था आपके घर। अरे कुसुम एक मिनट, देखे तो का चाहिए दामाद बाबू के, तो का चाहिए दामाद बाबू आपके? नहीं हम सच कह रहे हैं, हमको सिर्फ आशीर्वाद चाहिए, आप आशीर्वाद दे दीजिए, नहीं तो ये घर की इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी माई। वो कैसे? देखो माई, विजयकांत निशा को इलेक्शन में जिताने के लिए बहुत मेहनत कर रहा है, अब अगर हम इलेक्शन हार जाएंगे तो बाबूजी की इज्जत का क्या बने? फिर किए ना वो बुजदिल वाला बात, अरे हमरे बाबूजी के नाम पर तो कौनो एरा गैरा भी इलेक्शन जीत लेगा, और आप यहाँ आए माई का गौर पूछने, लानत है आप पर। अरे कुसुम तुम नहीं समझती कि राजनीति है राजनीति, ये घर का चूल्हा बर्तन नहीं है, कि गैस का चूल्हा खत्म हो गया तो लकड़ी का चूल्हा जला लिए। राजनीति में हवा एक तरफ बहता है और जो उस हवा को अपने साइड में कर लेता है वही विजेता होता है, अब समझिए ना माई। क्या चाहते हैं आप हमसे? देखो माई, विजयकांत के फैमिली वाले जो हमारी फैमिली पर अत्याचार और जुल्म किए हैं, स्पेशली जो आप पर अत्याचार किए हैं, वो अगर आप पब्लिक में जाकर बोल देंगे तो हमारा जीत निश्चित हो जाएगा माई। बाबा का डिमांड है आपका, मतलब आप चाहते हैं कि माई गली गली जाकर आपके लिए वोट मांगे? पगला गए हैं आप, आज तक हमरे बाबूजी और माई का हाथ देने के लिए उठाए, मांगने के लिए नहीं। तो ठीक है हार जाते हैं, हमरा का जाएगा, लेकिन बाबूजी की इज्जत का कहां होएगा माई? हमरे जीते जी उनकी इज्जत पर कोई आंच नहीं आएगा। तो तू जाइबो वोट मांगे खाते? हम ना जाए वोट मांगे खाते, बाकी वोट देवे वाला आई यहाँ वोट देवे खाते। क्या हुआ? क्या बताऊं मैं तुम्हें उदय, बाबा ने मेरे साथ कभी ऐसे बात नहीं की, जरा सोचो सिर्फ नौकरी करने की बात पर वो इतना नाराज हो गए, जरा सोचो उदय जब उन्हें हमारे रिलेशनशिप के बारे में पता चलेगा तो क्या होगा? क्या होगा? क्या होगा? अरे अमर भैया की बेटी उनके दुश्मन के बेटे से शादी करना चाहती है, ये पता चलेगा ना उन्हें तो मेरे टुकड़े टुकड़े करके मुझे मार डालेंगे। उदी, मुझे मुझे बहुत डर लग रहा है उदी। तुम बिल्कुल मत डरो, मैं ऐसा कुछ नहीं होने दूंगा मेरा, भरोसा है ना मुझ पे, है ना? देखो मैंने एक प्लान बनाया। प्लान? कैसा प्लान? अब हम यहाँ नहीं रहेंगे मेरा। यहाँ नहीं रहेंगे तो कहाँ रहेंगे? हम ये जगह छोड़कर भाग जाएंगे मेघा, यहाँ से दूर, इतनी दूर जहाँ हम दोनों दुश्मन परिवार वालों का साया भी हमें ना छू सके। तो फिर हम लोग वापस नहीं आएंगे? शायद, शायद कभी नहीं। कोई और दूसरा रास्ता नहीं है? और कोई रास्ता नहीं है मेघा, क्योंकि हमारे परिवार वाले कभी हमें एक दूसरे का होने नहीं देंगे, और हम एक दूसरे के बिना जी नहीं सकेंगे मेरा, यही एक रास्ता है। वैसे तुम सोच लो तुम क्या चाहती हो? ये कैसी अग्नि परीक्षा है, मुझे अपनी फैमिली छोड़ देनी होगी, मम्मी भाभी सब कुछ, हमेशा हमेशा के लिए। सोच लो मेघा, नाउ इट डिपेंड्स अपॉन यू। उदय कैसी बातें कर रहे हो, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, तुम्हारे बिना नहीं रह सकती, मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। तो इसका मतलब तुम मेरे साथ भागने के लिए तैयार हो? मुझे जहां लेकर जाओगे मैं तुम्हारे साथ चलूंगी।
और है बहन? मुझे गलत मत समझना उदय, मैंने तुमसे प्यार तुम्हारा साथ छोड़ने के लिए नहीं किया। तो फिर तुम्हारा चेहरा क्यों उदास है? एक मिनट, एक मिनट, कहीं ऐसा तो नहीं कि घर छूट जाने का सोचकर तुम मतलब कमजोर पड़ रही हो? जो प्यार कमजोर बना दे मैं उसे प्यार नहीं मानती उदय। हमारा प्यार हमारी ताकत है, कमजोरी नहीं। क्या बात है। ओके देन, दिस इज डन। हम कल सुबह ही यहां से दिल्ली निकल जाएंगे, ओके? फिर वहां से कुछ टिकट वीजा का इंतजाम करके चल से चल और चलिए भाग जाएंगे। उदय, मैं क्या बोल रही थी कि कल ही हमारा जाना जरूरी है क्या? मतलब कल कल जाने में क्या प्रॉब्लम? प्रॉब्लम कुछ नहीं है, लेकिन क्या है ना, भाभी इलेक्शन में खड़ी हुई है, अगर मैं भाग गई तो उनके इलेक्शन के रिजल्ट्स पे असर पड़ सकता है। उदय, सिर्फ 8-10 दिन की बात है। देखो, 8-10 दिन में हमारा कुछ नहीं बिगड़ेगा, लेकिन इस दौरान अगर मैं भाग गई तो भाभी के केक राय पर पानी फिर जाएगा। प्रदीप, तुम समझ रहे हो ना? प्लीज उदय, ट्राई टू अंडरस्टैंड। ओके, नो प्रॉब्लम। तब तक मैं टिकट और वीजा का इंतजाम करवाता हूँ। चलेगा? उदी, आई लव यू। पहले बुलेट अब बैलेट, इस दिनकर जी भी ना खूब लतीफा छोड़ते रहते हैं। साला, तुमको ये लतीफा बुझाता है? दिनकर जी एकदम फैक्ट लिखते हैं। इलेक्शन कोनो जूत से कम है का? अरे क्या समझते हो, ये चुनाव खाली बैलेट से लड़ा जाएगा, देखना बुलेट भी कम नहीं चलेगा। अब मरेगा आम आदमी। पता नहीं कौन कुकुर काटा था श्रीकांत की मेहरारू को कि इलेक्शन में खड़ी हो गई। अरे खड़ी हुई है ना तो जीतेगी भी। सुने हैं बहुत बढ़िया भाषण देती है, एकदम फर्स्ट क्लास। अरे तो तुम कहे नहीं इलेक्शन में खड़े हो जाते हो? सुने है कि तुम भी बहुत बढ़िया भाषण देते हो। अरे भाषण से कोई इलेक्शन जीत सकता है का? अरे एक बात तो जान लो, केडिया इस बार जरूर हारेगा, इतना जान लो। ऐसे ही हार जाएगा का? फालतू है का वो की हार जाएगा? तब चलो दिनकर जी से पूछ लेते हैं। चलिए। हाँ चलिए चलिए चलिए। ओ दिनकर जी, दिनकर जी, जरा आके इन लोगों को बता दीजिए कि इस बार इलेक्शन कौन जीतेगा, निशा जी या केडी? जंगल राज का एक ही उसूल होता है, जो ताकतवर होगा वही जीतेगा। बाकी अफसोस तो इस बात का है कि निशा शर्मा जैसी महिला जो समाज के लिए बहुत कुछ करना चाहती है, उसे भी बाहुबली की छत्र छाया। राजगंज का, पूरे देश का यह हाल है। बिना बाहुबली, बिना गुंडा के सपोर्ट के कोनो आज तक चुनाव जीत पाया है क्या? चलो भैया, अपना दौरा तो है, देखो दुकान देखो यार। चलो चलो, लेट हो गया। सब जगह अपना सपोर्ट रह सकते, बाकी जगह मेहनत करना पड़ेगा। ये रेजगारी गिनना बंद करो, अब मोटा नोट की तरफ ध्यान दो। भैया सेंध वही घर में लगाना चाहिए जहां से मोटा रकम मिलने का चांस हो, ये 52-54 बटोरते बटोरते तो उम्र बीत जाएगा। अब मोटा रकम आएगा कौन घर से? घर से नहीं, बाजार से। अगर बाजार को अपने कब्जे में ले लिया तो समझो 40-50% वोट तुम्हारे हिस्से में होगा, और बाजार को अपने कब्जे में करने के लिए व्यापारी संघ को अपने कब्जे में करना होगा। काका, आप सचमुच में राजनीति के चाणक्य हैं।
अब देखिए व्यापारी संघ को कैसे अपना कब्जा में लेते हैं। हमरे साहेब के साथ व्यापारी संघ का बहुत पुराना रिश्ता चलता आया है। जब वो जिंदा थे तो बहुत सही से रिश्ता निभाया, अब वो नहीं रहे हैं तो ये जिम्मेदारी हमरा है। बब्बन भाई मेरे हैं, ये बात का मलाल है हमको, बाकी आप हैं तो ये व्यापारी संघ का सारा सपोर्ट आप ही के साथ है। हमको आपसे यही उम्मीद था, बस आप हमारा साथ दीजिए और बदले में आपकी सुरक्षा का इंतजाम हमरा है। दुलारी देवी जी, विजय कांत का वर्चस्व दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है, ऐसे में विजय कांत से सुरक्षा का गारंटी का क्या भरोसा है? जब तक हम जिंदा हैं, वो विजय कांत बाजार की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देख सकता, ये हमारा गारंटी है। तो ठीक है, हमारा सारा का सारा सपोर्ट आपके साथ है, व्यापारी संघ का सारा वोट केडी बाबू को ही जाएगा। तो ठीक है, केडी बाबू को पूरा का पूरा सपोर्ट हम लोगों का है, अब आज्ञा दीजिए। मेघम में काम करते हैं, आज हम छोटे छोटे गांव में जाके औरतों से मिलते हैं और बाहर जा रही हो? हाँ बाबा, वो बाबा जब आप देख ही रहे हैं तो फिर क्यों पूछ रहे हैं? या नहीं रहे तो कोई घर का परंपरा बदल गया, ये घर की बहू बेटी बिना इजाजत घर के बाहर नहीं जा सकती। बाबा आप चुप। मेघा बाबा, दरअसल इलेक्शन नजदीक आ रहे हैं और अगर अब हम वोटर्स के बीच में नहीं गए तो शायद इलेक्शन हमारे हाथ से निकल जाएंगे। उसकी चिंता करने के लिए हम हैं ना, तुम्हारा काम था नामांकन पत्र दाखिल करना, वो तुम कर चुकी हो। जहाँ तक इलेक्शन जीतने का सवाल है उसके लिए हम जिंदा हैं अभी। लेकिन बाबा मैं सिर्फ जाओ भीतर जाओ। समझते हैं अपने आप को, हम क्या उनके हुक्म के गुलाम हैं? वो कहे दिन तो दिन, रात तो रात, वो कौन होते हैं हमारे लिए डिसाइड करने वाले? अरे अरे कहाँ हो गए, इतना गुस्सा का है बाड़ू? कोई कुछ कह दे ले सका। माँ हम इलेक्शन के कैंपेन के लिए बाहर जा रहे थे और बाबा ने हमें बाहर जाने से रोक दिया। तो उम्मीद इतना गुस्सा होके को कौन जरूरत बा, वो रुक ले हुई है तो कुछ सोचे के रुक ले हुई है ना। वाह मम्मी वाह, क्या अंधविश्वास है, बाबा नहीं हो गए भगवान हो गए, उनकी कही हुई बात पत्थर की लकीर हो गई। मेघा और बाबू जी के भी बाबा पे आंख बंद करके विश्वास रहे और उनका विश्वास गलत ना हो सके। माँ अगर इलेक्शन जीतना है तो कैंपेन तो करना ही पड़ेगा, अब घर बैठे तो जीता नहीं जा सकता ना। अगर बाबा तोहरा के बाहर जाए से रुकला ना तो इलेक्शन जीते के उपाय वही सोचिए, उनका पे विश्वास रखा तूने, जरूर कोई ना कोई उपाय निकाले।